सुनो, हमें चंद्रमणि देखना। अवश्य देखो, देखना भी चाहिए। 9 दिनों के पश्चात महोत्सव वाले दिन जब सब देखेंगे, तुम भी देख लेना। क्या? मुझे उन सबसे पहले देखना है। असंभव हो ही नहीं सकता। शारदा वो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण रत्न है। उसे देखने की अनुमति किसी को भी नहीं। और वैसे भी चंद्रमणि तो अभी ब्रह्म कमल में बंद है। वो तो तभी देखा जा सकता है जब ब्रह्म कमल या तो स्वयं खिले या इस गायन प्रतियोगिता से कोई अपनी सुर शक्ति से उसे खिला दे। तब तक प्रतीक्षा, प्रतीक्षा प्रिय, प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। समझो 10 दिन क्यों गुजर गए। तुलुवा वंश की धरोहर हजारों वर्षों में एक बार अवतरित होने वाला चमत्कारी दुर्लभ पुष्प विजयनगर का गौरव, समस्त देवताओं के संपूर्ण आशीर्वाद से निर्लिप्त यह पुष्प दरबार में शोभायमान होने जा रहा है। भगवान श्री गणेश जी की जय। हम कृष्णदेव राय आज ये चंद्रमणि सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। महाराज, आरती का समय हो गया है, कृपया आरती शुरू कीजिए। प्रणम शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं, प्रणम शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं। तो सही मंत्री, पर चंद्रमणि की सुरक्षा का सवाल है। और अब सब ठीक है पंडित रामकृष्ण? पिछले 10 दिन की कर्मठता और सतर्कता से आपने अपना दायित्व पूरा किया है। चंद्रमणि सुरक्षित है और दरबार में लाया गया है। अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल चिंता तो अब आरंभ हुई है मंत्रीवर। अब तक चंद्रमणि सार्वजनिक नहीं हुआ था, सुरक्षा के घेरे में था, इसीलिए किसी के लिए भी उसे चुराना असंभव था। परंतु अब जब चंद्रमणि सार्वजनिक हो चुका है, हम सबके सामने हमारे बीच है, अब तो अधिक सुरक्षा और सावधानी की आवश्यकता है। आपका सोचना सही है पंडित रामकृष्ण, परंतु ये भी तो सोचिए कि यहाँ पर कितना कड़ा पहरा है। हर तरफ हमारे सशस्त्र सिपाही तैनात हैं। बाहर हमारी सेना किसी भी आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। भला ऐसे में कोई भी चंद्रमणि को छूने की मूर्खता क्यों करेगा? जो भी चोर चंद्रमणि चुराएगा वो कोई साधारण चोर नहीं होगा मंत्रीवर। वो जो कोई भी तरीका अपनाएगा चोरी करने का, वो तरीका अवश्य ही कोई विलक्षण तरीका होगा, आपके मेरे हम सब की कल्पना से परे। ये भी तो हो सकता है पंडित रामकृष्णा कि ये आपके मन का वहम हो। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई चोर हो ही ना। नहीं मंत्रीवर, कुछ तो अवश्य होगा। यहाँ कोई तो है जिससे चंद्रमणि को खतरा है। और ऐसा कौन अकेला चंद्रमणि को चोरी करने की हिम्मत करेगा? हो सकता है उसका कोई साथी हो जो उसकी ये सब करने में मदद करे। कुछ भी हो सकता है मंत्रीवर, मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि यहाँ शीघ्र ही कोई घटना घटने वाली है। मैं किसी अनिष्ट की गंध अच्छी तरह से अनुभव कर रहा हूँ। परंतु कौन पंडित रामकृष्ण, कौन हो सकता है? नहीं जानता मंत्रीवर, परंतु वो जो कोई भी है यही है, हम सबके बीच है, इसी समारोह में हमारे आसपास है। भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी की जय। महाराज, सारे अतिथिगण पधार चुके हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो आज का समारोह प्रारंभ किया जाए। अनुमति है मंत्रीवर, कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए।
महाराज, हम महामंत्री तिम्मरसु विजयनगर राज्य और महाराज श्री कृष्णदेव राय की ओर से आप सभी अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये समारोह भगवान श्री गणेश महाराज के आगमन में रखा गया है। इस उपलक्ष में आज इस राज दरबार में महागायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस संसार का सबसे अनमोल रत्न चंद्रमणि यहाँ ब्रह्म कमल में रखा गया है। ये इस प्रतियोगिता का हिस्सा भी है और सबसे बड़ा आकर्षण भी। जो भी गायक या गायिका अपने सुरों की शक्ति से इस ब्रह्म कमल को खिला देंगे, वही होगा निश्चित रूप से आज का विजेता। जीतने वाले को उपहार स्वरूप सम्मानित करने के बाद महाराज श्री कृष्णदेव राय स्वयं इस अनमोल रत्न चंद्रमणि को गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। तो आरंभ करेंगे आज की ये प्रतियोगिता, और इसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री मथुरा दास जी को। आज की ये प्रतियोगिता इन्हीं के मधुर स्वरों से आरंभ की जाती है। की भी संज्ञा है प्रभु, मेरा जीवन आपकी आज्ञा है। प्रभु मेरा जीवन आपकी आज्ञा है। हे राम सुंदर, निसंदेह अविस्मरणीय, बहुत ही सुंदर गाया आपने मथुरा दास जी। ब्रह्म कमल ना भी खिला किंतु आपके मधुर सुरों से हमारे दिल के पुष्प अवश्य खिल गए। हमें गर्व है कि आप यहां पर इस प्रतियोगिता में उपस्थित हैं। आने के लिए धन्यवाद। महाराज, हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं सुरों के महान ज्ञाता श्री योगेंद्र राउत।
have a gown, I have a voice, I came from far away, to see your Bharat, I am a beauty, I am a cutie, I have a hand, I have a leg, I came from far away to see Bharat. Pandit Ramakrishna, क्या ये वही है जिन्हें यहाँ खास निमंत्रित किया गया? 100% यही है मंत्री भाई। अभी विचित्र लग रहे होंगे आपके इनके सुर, किंतु इनके यहाँ संगीत की यही संस्कृति है, ऐसे ही गाते हैं ये लोग। अच्छा, महाराज क्या गायन, क्या सुर, क्या अलंकार, क्या शब्द, क्या अभिव्यक्ति, साक्षात सरस्वती का प्रतिरूप। महाराज सुर नहीं, मानो मुख से मोती झर रहे थे, मानो कहीं दूर किसी शीतल झरने की गिरने की शुद्ध प्राकृतिक ध्वनि। इस प्रतियोगिता का और कोई विजेता तो हो ही नहीं सकता सिवाय संगीत की इस देवी के। इन्हें ही घोषित कीजिए इस प्रतियोगिता का विजेता। यही है इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार की वास्तविक अधिकारी। निसंदेह निसंदेह आचार्य, अति उत्तम प्रदर्शन। परंतु क्षमा कीजिए आचार्य, नियम पूरे नहीं हुए। ब्रह्म कमल खिला नहीं है। ये तो अन्याय है, कला का यहां कोई मूल्य नहीं। कुछ कहा आपने आचार्य? हम क्या कहेंगे, हमने कुछ नहीं कहा। अब जो भी कहेंगे महाराज कहेंगे, महाराज को ही कहना है। क्यों महाराज, कैसा लगा आपको इनका गायन? हमें अद्भुत। हमारे पास इनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। अद्भुत गाया, सत्य कहे तो इन्होंने जो कुछ भी गाया है इनमें से एक भी शब्द हमारी समझ में तो नहीं आया। किंतु गाया अति उत्तम है, मंत्र मुग्ध कर दिया है सभी को इन्होंने। वाह। अब हमारे अगले प्रतियोगी का नाम है सोमनाथ जी। अब सोमनाथ जी के बारे में क्या कहें, हमारे तो शब्द कम पड़ जाते हैं कहते कहते। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपकी त्रुटि नहीं है मंत्री महोदय, हम जैसे निर्धनों के लिए ये कम से कम है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अतिथि वर। ए बंधु वर, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी नकारात्मक बातें अपने मस्तिष्क से निकालिए और अपना पूरा ध्यान इस प्रदर्शन पर केंद्रित कीजिए। ऐसा शुभ अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तो जो जीता वही सबसे बड़ा धनवान है। आप सही कह रहे हैं सलाहकार महोदय, आज हम गाएंगे, अवश्य गाएंगे, और ऐसा गाएंगे कि संपूर्ण विश्व देखेगा। आज हम अपने सारे निर्धन भाइयों की आवाज बनेंगे। ये हुई ना बात, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, शुरू हो जाए। धन्यवाद। गीत है मेरा निर्धन, संगीत है मेरा निर्धन, आवाज है मेरी निर्धन, साज है मेरी निर्धन, आना मेरा निर्धन, जाना मेरा निर्धन, धन 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 धन, मैं हूँ निर्धन, मैं हूँ निर्धन, मैं हूँ निर्धन, काया मेरी निर्धन, परकाया मेरी निर्धन, शाम है मेरी निर्धन, सुबह है मेरी निर्धन, मेरा आना निर्धन, मेरा जाना निर्धन, मेरा तन है निर्धन, मेरा मन भी निर्धन, मेरा धन भी निर्धन, धन 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 धन, मैं हूँ निर्धन, मैं हूँ निर्धन, मैं हूँ निर्धन।
हनुमानों का षड्यंत्र है ये। अवश्य एक दिन जीतेंगे हम, सब धनवानों का षड्यंत्र है। जीतूंगा, अवश्य जीतूंगा। अब प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव पर प्रस्तुत है सुर स्वामिनी रूपा देवी। महाराज, अपनी सुर साधना आरंभ करने से पूर्व हमारी महाबली सम्राट से एक छोटी सी विनती है। निसंकोच कहिए रूपा देवी जी, क्या बात? हम चाहते हैं अपने गायन प्रदर्शन आरंभ करने से पूर्व यहाँ का संपूर्ण प्रकाश कुछ समय के लिए मध्यम कर दिया जाए। क्षमा करें रूपा देवी जी, यदि आपत्ति ना हो तो कारण जान सकता हूँ? माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए और अपनी संपूर्ण श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित करते हुए मैं आशा करती हूँ कि मेरे सुरों से ये भ्रम कमल खिल उठेगा, और जब ऐसा हो तब केवल और केवल चंद्रमणि का अलौकिक प्रकाश ही प्रकाशित हो। किंतु महाराज, ये हीरा तो अद्भुत सुझाव है। रूपा देवी, हमें आपका यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार है। धन्यवाद। मंत्री महोदय। महाराज, जैसा रूपा देवी चाहती है वैसा ही हो। जी महाराज। कौन है वो पंडित रामकृष्ण? ये है वो महाराज। हम क्या प्रलाप कर रहा है ये महाराज? विक्षिप्त हो गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया इसका। महाराज, हमें राज पुरोहित जाने को चोर कह रहा। महाराज, चोर कह रहा हमें। इस आरोप के सबसे देवलोक भस्म हो जाएगा, सृष्टि हिल जाएगी, धरती के 100 टुकड़े हो जाएंगे। महाराज, आकाश अग्नि उड़ेगा। आचार्य, आचार्य, अरे आप कहां से बीच में आ गए? प्रभु, हटिए सामने से। हटिए? क्यों हटिए? कहां से हटिए? हटिए सामने से, मेरा संकेत उनकी ओर है जो आपके पीछे खड़ी है। हमारे पीछे?
हमारे पीछे तो रूपा देवी है। जी मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, यही है वो वास्तविक अपराधी महाराज जिनके संकेत पर उस बंदर ने चोरी की है। ओ, ओ, तो ऐसा कहो ना। आइए सामने रूपा देवी जी, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, अब इनके प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आपकी बारी आई। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? हम और चोर? जी आप ही हैं वो वास्तविक चोर जिनके संकेत पर उस बंदर ने चोरी की है। आरोप है हम पर? सच्चा आरोप है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ही ने किया रूपा देवी जी, आपके अतिरिक्त और कोई हो भी नहीं सकता। पंडित रामकृष्ण आप हमारे अतिथि का अपमान कर रहे हैं, कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो ये स्वयं है, पूछे इनसे, जब कुछ दिनों पहले मैं इनके कक्ष में गया था तो यही बंदर इनकी खिड़की पर क्या कर रहा था, पूछे महाराज। हम उसे कुछ खिला रहे थे महाराज। तैयार कर रही थी आप उसे? ये इनकी पूर्व नियोजित योजना थी महाराज, एक प्रशिक्षित बंदर को महल में लेकर आना और फिर प्रतियोगिता के बहाने उसे चोरी कराना, ये थी इनके यहाँ आने की मंशा, ये था इनका लक्ष्य इस प्रतियोगिता में भाग लेने का महाराज। ये झूठ है, हमने चोरी नहीं की है, हमने चोरी नहीं की है महाराज, हम तो सभी जीव जंतुओं को समान प्रेम करते हैं। उस दिन वो बंदर संजोग से हमारे कक्ष में आ गया था तो हमें लगा वो भूखा है, इसलिए हम उसे कुछ खाने को देने का प्रयास कर रहे थे। हम तो जानते भी नहीं थे कि वो बंदर कहाँ से आया था, किसका था और क्या करने वाला है। हम चोर नहीं है पंडित रामकृष्ण, केवल संगीत की पुजारण है। क्षमा कीजिएगा, हम आपको लज्जित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस परिवार से हम संबंध रखते हैं वहां आपकी हैसियत के लोग हमारे सेवक हैं। शासक श्री हर्षवर्धन की संतान है जो आसपास के 10 गांवों के स्वामी है। संगीत से बहुत प्रेम करते हैं हम, इसलिए स्वयं को संगीत के लिए नछावर कर दिया। हमें ऐसा तुच्छ कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण। उस दिन केवल आपने उस रात्रि हमें उस बंदर के साथ देख लिया तो हम चोर हो गए। बस यही ठोस सबूत है आपके पास? क्या ये की है आपके तुलवा वंश के संस्कार महाराज, जहाँ अतिथियों को बुलाकर उनका अपमान किया जाता है, उनके आत्मसम्मान पर, उनके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, क्यों भरे दरबार में उन्हें लज्जित किया जाता है? मैं स्वीकार करता हूँ महाराज कि मुझसे वास्तविक अपराधी को पहचानने में भूल हुई। रूपा देवी जी शायद वो चोर नहीं भी हो सकती हैं, पर इसके लिए मैं आपसे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है महाराज, क्या बात है। पहले कभी भी किसी को कहीं भी अपमानित कर दो, उसके बाद कह दिया कि हमसे भूल हो गई, बस हो गया। गिरगिट भी रंग बदलने में समय लेता है महाराज, परंतु हमारे ये विशेष सलाहकार महोदय पासा पलटते ही रंग भी बदलता है। अभी कह रहे थे कि रूपा देवी अपराधी, पर जब स्वयं इनके आंसू इनकी निर्दोषिता का प्रमाण बनकर छलक पड़े, पैंतरा बदल गया, पर अब कह रहे हैं कि भूल हो गई हमसे। ये है हमारे दरबार के बुद्धिमान चतुर सुजान विशेष सलाहकार महोदय, इन्हें सुन, अपने कथन पर भरोसा नहीं। ऐसे इंसान को दिया आपने चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व, अब चंद्रमणि हाथ से निकल गया तो बौरा गए हैं और अतिथियों पर उल्टे सूटे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं किया है महाराज, इन्होंने चंद्रमणि चोरी हुआ है महाराज, इस व्यक्ति को अभी इसी समय कठोर से कठोर दंड दिया जाए, यही होगा न्याय।
होगी हमारी सम्मानित अतिथि रूपा देवी के अपमान की न्याय संगत भरपाई। पंडित रामकृष्ण, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? केवल इतना कि महाराज ने चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा था, तो उसे वापस सुरक्षित महल में लाने का दायित्व भी मेरा है, और मैं लाऊंगा महाराज। चंद्रमणि महल वापस लौटेगा और महाराज उसे अपने हाथों से भगवान गणेश के चरणों में अर्पित भी करेंगे। आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा महाराज, ये मेरा वचन है आपको। मैं मानता हूँ कि रूपा देवी के विषय में मुझसे भूल हुई, परंतु मैं अभी यही कहूंगा कि बंदर का चंद्रमणि चुरा कर भाग जाना एक पूर्व नियोजित योजना है महाराज, और वो जो कोई भी है निश्चित रूप से हमारे द्वारा आमंत्रित कलाकारों और सभा में उपस्थित बाकी अतिथियों में से ही कोई है। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि मुझे चंद्रमणि वापस महल में लाने के लिए कुछ समय दिया जाए, और इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को इस सभा से बाहर ना जाने का आदेश दिया जाए महाराज, ताकि वो जो कोई भी वास्तविक चोर है उसे चंद्रमणि और अपने साथी बंदर के साथ इस सभा से बाहर जाने का मौका ना मिले महाराज। महाराज महाराज, इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इन्हें मानसिक चिकित्सालय भेजा जाए, इनका उपचार करवाया जाए, उसके बाद इनसे बात की जाए। थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य, कम से कम पंडित रामकृष्ण की पूरी बात। क्या पूरी बात मंत्रीवर, क्या पूरी बात? अभी कुछ क्षण पहले अतिथि का अपमान करके हटे हैं और अब कह रहे हैं कि अतिथियों को बंदी बना लिया जाए। परंतु महाराज हम ये आचार्यवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने अतिथियों के साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार कैसे कर सकते हैं मंत्रीवर? सारे अतिथिगण अपने अपने कक्ष में जा सकते हैं, और यहाँ पर जो भी असुविधा आप सभी को हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। आप लोग जा सकते हैं। बिल्कुल रुकिए आचार्य जी, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मंत्रीवर, महाराज, सभी पांचों गायक अतिथियों के कक्ष के बाहर अपने सैनिक तैनात कर दिए जाए। जी महाराज। और उन पर कड़ी नजर रखी जाए, जब तक ये मामला निपट नहीं जाता है कोई भी अपने कक्ष से बाहर न जा पाए, और ऐसा केवल अतिथियों के साथ नहीं होगा अपितु दरबार से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा। सभी के घरों के बाहर सिपाही तैनात हो और उन पर कड़ी नजर रखी जाए, और ये स्वयं हमारे साथ भी होगा, महारानियों के साथ होगा। आचार्य तथाचार्य पंडित रामकृष्ण महामंत्री तिमारसु सबके साथ यही कानून लागू होगा। जी महाराज। हम सब के साथ भी आदेश का ठीक वैसा ही पालन हो जैसा कि हमारे अतिथियों के साथ हो। आचार्य वर, परंतु महाराज संस्कार मर्यादा कुल वंश अतिथि सत्कार ये सब अपने स्थान पर आचार्यवर, और लिए गए संकल्प का मान अपने स्थान पर। हम अपने प्राण दे सकते हैं किंतु अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकते। यदि चंद्रमणि लाने के लिए ये सब करना आवश्यक है तो ये सब होगा, अवश्य होगा आचार्यवर। जी महाराज। और पंडित रामकृष्ण महाराज, 2 दिन का समय देते हैं हम आपको, 2 दिन का। भगवान श्री गणेश की मां पूजा से पहले हमें वो चंद्रमणि हमारे सामने चाहिए। एक वचन आपने हमें दिया था, एक वचन हम आपको देते हैं पंडित रामकृष्ण। यदि 2 दिन के भीतर भीतर वो चंद्रमणि हमारे समक्ष आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय आपको वचन देते हैं कि उन 2 दिनों के पश्चात जो तीसरा दिवस होगा वो आपके जीवन का अंतिम दिवस होगा। पंडित रामकृष्ण, हमें अभी आप पर विश्वास है, किंतु वो चंद्रमणि कुछ भी करके हमें वापस चाहिए।
वरना पता नहीं हम क्या अनर्थ कर बैठेंगे। करेगा तू रामा? नहीं जानता बंधु, केवल इतना जानता हूं कि यदि महाराज को अपना संकल्प अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है तो मैं भी महाराज के संकल्प और अपने वचन के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। नहीं जानता कैसे, केवल इतना जानता हूं कि मैं चंद्रमणि वापस लेकर ही आऊंगा और इतना विश्वास है कि मां मेरे वचन की लाज अवश्य रखेंगी। अरे अम्मा, शारदा, गुंडप्पे, ये सब क्या हो रहा है? दिख नहीं ला, सामान बांध ले। हाँ दिख रहा है कि सामान बांध रहा है, पर क्यों बांध रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा लेना, हम सब। कहाँ? जा किस्मत ले जाए। अरे एक बिलांग के दार्शनिक, अच्छी तरह से बता। अम्मा से पूछो, अम्मा नहीं तार पोतली बांधने तो। अम्मा ये गुंडप्पा क्या कह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। हाँ हाँ ये उत्तर सुन चुका हूँ गुंडप्पे से। अच्छा छोड़ो शारदा, तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? और देखो खबरदार, यदि तुमने कहा कि जहाँ किस्मत ले जाए। हाँ जहाँ किस्मत ले जाए। अरे पागल हो गए हो क्या तुम सबके सब, ये क्या लगा रखा है जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ किस्मत ले जाए, यहाँ चल क्या रहा है? अरे हम कहाँ जाएंगे, और सबसे बड़ा प्रश्न हम जाएंगे क्यों? उठा लो। क्या उठा लो? अरे ये पोटली उठा लो, उठाकर इसमें अपने कपड़े लत्ते बांध लो। क्यों? क्यों? जैसी आपकी प्रवृत्ति है, बार बार हर बार महल में जाके कुछ न कुछ गड़बड़ करके आते हो। ऐसे में तो हमें कभी भी किसी भी वक्त घर से निकलवा सकते हैं ना, इसलिए तैयारी करके रखने में क्या बुराई है? ये कह रही है? लाठी पटकी इन्होंने? नहीं। कोई संकेत दिया? नहीं। तो फिर हम ही कह रहे होंगे ना? ओ, कोई कोई कहीं नहीं जा रहा है। हर बार कोई ना कोई बुरी खबर लेकर वापस आता है। इतनी मुसीबतों से सिंदूर पट वाले विवाद से जान छूटी और अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। चंद्रमणि चोरी हो गया, दो दिन में ढूंढ कर ला, नहीं तो अपने प्राण गवा। थक गई है तुम्हारे पचड़े सुनते सुनते, डर लगा रहता है न जाने कब इस घर से लात मार के बाहर फेंकवा दिया जाए, इसीलिए तो पहले से तैयारी करके रखी है। ये कह रही है? लाठी पटकी ना इन्होंने? हाँ। संकेत दिया ना? हाँ। तो फिर यही कह रही होंगी ना? कुछ और कह रही है? हाँ मां बोली। क्यों बेचारे को डांट रही है, थक कर आया है, विश्राम करने दे। अम्मा दरबार में ऊंच नीच तो होती रहती है, अब बेचारा कब तक अपने आप को बचाता फिरेगा? सिर्फ भोजन करा और बोल जाकर सो जाए। अम्मा ये आप कह रही हैं? उठा लो, उठा लो। क्या उठा लो? अरे अम्मा को उठा लो और उठा कर किसी बहन के पास ले जाओ, लगता है अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। सही कहा शारदा, मछली पेड़ पर चढ़ सकती है, ऊंट खो खो खेल सकता है, कौवा गा सकता है और सर्प सीधा चल सकता है, परंतु अम्मा बिना लाठी पटके, बिना मुझ पर चिल्लाए, मुझे मारे, बिना मुझे कोसे कैसे रह सकती है? वास्तव में अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, ले चलो इन्हें। कह रही है इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ भोजन खाकर सो जा। ये क्या था अम्मा, फिर कोई नई मुसीबत मोल ले आए हैं और आप है कि प्रेम से बात करें? ये कोई समय था लाड प्यार दिखाने का? लाठी पटकनी चाहिए थी और अपने तरीके से समझाना चाहिए था कि दूर रखे स्वयं को ऐसी मुसीबतों से। मैं कोई लाड प्यार नहीं दिखा रही थी, जब तक वो सोएगा नहीं चंद्रमणि ढूंढने की तरकीब कैसे निकालेगा? वो जब भी सोता है तभी इसका दिमाग तेजी से चलने लगता है, अभी सोने गया है, जब ये उठेगा तो इस समस्या का कोई ना कोई उपाय निकाल कर ही उठेगा। मेरा पुत्र है।
क्या है? सुबह सुबह डरा दिया। लीजिए लीजिए। क्या लूं? अरे आराम से पूरी तरह अंगड़ाई लीजिए, फिर बताइए। क्या बताऊं? आया? कौन? कहां? क्या? कोई युक्ति, कोई उपाय आया चंद्रमणि की समस्या से बाहर निकलने का? ए, युक्ति कोई खर्राटा है क्या कि ऐसे लिया और सोने के बाद आ गया? ए, अम्मा कहा था ना कोई जरूरत नहीं है इन्हें लाड प्यार से सुलाने की, कोई हलवल नहीं निकलने वाला इनके दिमाग से। अम्मा उठा लो। हाँ ये अपनी लाठी उठा लो तो भी इनकी समस्या का हल निकलेगा। हाँ ये हुई ना बात। क्या कह रही? उठा लो। क्या उठा लो? ने कपड़े लगते उठाओ और निकल जाओ इस घर से। हाँ घर से बाहर निकालने की क्या आवश्यकता है, घर में बैठे बैठे भी तो उपाय आ सकता है ना। नहीं कोई उपाय उपाय नहीं आएगा इसके दिमाग में। अब इस घर में कदम तभी रखना जब इस समस्या का निपटारा कर ले। अरे क्या ये जरा जरा सी बात पर घर से निकाल देती है? ठीक है जा रहा हूँ, वैसे भी तो जब से इस घर में आए तब से अधिक समय घर के बाहर ही बिताया मैंने। क्यों करते हो ऐसे काम? क्यों अड़ाते हो दूसरों के बीच अपनी टांग? एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकते? बस थक गई है ये सब सुनते सुनते, अभी इस घर से बाहर निकलो और ये समस्या सुलझा कर घर वापस आ जाओ। वाह देखो देखो क्या परिवार है मेरा, ऐसी विकट स्थिति में मेरा साथ देने के बजाय मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये इनके पूर्वजों की अंगूठी है, बहुत शुभ अंगूठी है ये, इसमें इनके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद बसता है। इसे पहन के समस्या के बारे में सोचो तो हल जरूर निकल जाएगा। हाँ ठीक है ढीली है बाद में पहन। पहन लिया पहन लिया। जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा। करता है रामा उस चोर बंदर को ढूंढना, बंदर मिल गया तो चंद्रमणि भी मिल जाएगा। अरे खाने का काम है क्या इतने बड़े नगर में उस चोर बंदर को ढूंढना? इतना कठिन भी तो नहीं है, उस बंदर की पहचान भी तो है ना तेरे पास, उसका एक कान लाल है, तूने स्वयं तो देखा था। इतना सरल नहीं है बंधु जितना तुझे लग रहा है, पहचान होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता, ढूंढना तो फिर भी बाकी सारे बंदरों में से ही है ना। बड़ी ही विकराल विकट समस्या है बंधु जो इतनी सरलता से नहीं सुलझेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कहां से आरंभ करूं। चिंता क्यों करता है रामा, गणेश जी है ना वो सुझाएंगे कोई ना कोई मार्ग, वही करेंगे तेरा बेड़ा पार, देख लेना। सही कहा बंधु, अब तो वही विघ्न आता है जो अपने इस भक्त की नैया पार लगाएंगे, अब तो उन्हीं के चरणों में गुहार लगानी पड़ेगी। हाँ हम दो ना अकेले, आचार्य कहाँ है? मणि इसे कुछ मत बताना। अरे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि हमारे गुरुजी विदेशी महिला गायिका से मिलने महल गए हुए हैं। चलो अच्छा है मत बताइए कि आपके गुरुजी उस विदेशी महिला गायिका से मिलने महल गए, परंतु मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना। क्यों हम क्यों करें आपका कोई भी छोटा बड़ा काम? देखिए काम तो करना पड़ेगा अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा कारावास जाने के लिए तैयार हो जाइए दोनों। कारावास? कारावास क्यों भाई, हमने क्या किया है? अब क्या है कि आज की तिथि में चंद्रमणि चुराने से अधिक बड़ा अपराध और क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ से सीधा महाराज के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इन दोनों ने ही चंद्रमणि चुराया है, उसके बाद महाराज देखेंगे कि क्या करना है इन चंद्रमणि चोरों का। ये क्या बकवास है, हमने कब चुराया चंद्रमणि? अब ये प्रश्न तो महाराज करेंगे ना आपसे, उन्हीं को उत्तर देना और इस प्रश्न का भी उत्तर देना कि उस दिन महल से गुंडप्पे का अपहरण क्यों किया तुम दोनों ने। क्या प्रमाण है कि हमने गुंडप्पे का अपहरण किया है? अरे कोई प्रमाण है ही नहीं जो ये बात सिद्ध कर सके। ये तो खड़े प्रमाण साक्षात। कहाँ? आपके साथ आपके साथी धनी महाराज, ये है आपके प्रमाण, ये भी तो थे आपके साथ इस पूरे षड्यंत्र में। क्यों? चलो चलो इसका प्रमाण तो मैं हो गया, मेरे प्रमाण का क्या, वो कहाँ से लाओगे? आपके प्रमाण ये रहे मनी महाराज,
ये आपके साथ थे तो आप इनके प्रमाण और ये आपके प्रमाण। अब जब दो इतने बड़े बड़े प्रमाण मेरे सामने खड़े हैं तो किसी और प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अरे मान्यवर माफ कीजिए, माफ क्या है, आदेश कीजिए। केवल इतना कि राज नर्तकी सौदामिनी देवी और आचार्य की धर्म पत्नी वृहन्नमाला देवी को लेकर सीधा विदेशी महिला गायिका के कक्ष में जाइए। अभी लाते। चल भाई धनी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे होना तो चाहिए क्या कर रहे हैं, परंतु आपके मुख से क्या कर रही हैं कितना सुखद प्रतीत होता है। और रही बात आपके प्रश्न की कि हम यहाँ क्या कर रही हैं, तो बस ऐसे ही आपकी कुशल मंगल पूछने चली आए। चले आए, हम पूछने आए हैं आपको, यहाँ कोई कष्ट कोई असुविधा तो प्रतीत नहीं हो रही ना? What are you talking, Mr. Tetacharya? Tetacharya. 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 Tattu. Tattu. Tetacharya, ठीक है। हम पर चंद्रमा ने चुराने का दाव किया जा रहा है। यहाँ हाउस अरेस्ट करके रखा हुई है और आप पूछ रहे हैं कि कोई असुविधा तो फील नहीं हो रही है? आप कृपया जाइए, विश्वास कीजिए, बहुत दुख है हमें इस बात का। हमारा हृदय फटा जा रहा है आपको ऐसे बंदी देखकर। यदि ये आदेश किसी और ने दिया होता ना, तो अब तक हमारे क्रोध की प्रलय का ग्रास बन चुका होता। परंतु क्या करें, महाराज ने दिया है ये आदेश सुंदरी, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कोमल, ऐसी मनमोहक, ऐसी आकर्षक, ये मेहंदी जो आप लगवा रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है, खिल रही है आपकी त्वचा पर, और खिले भी क्यों नहीं, ऐसी सुंदर स्त्री पर तो कुछ भी खिलेगा। सुंदर स्त्री आपने हम कहे? हाँ, और है कौन यहाँ, आप ही को तो कहा हम सुंदर हैं। आए, क्या कह दिया आपने, इस छोटे से एक शब्द में कैसे समा सकती है भला ईश्वर की बनाई ये अनमोल कलाकृति। आपसे सुंदर तो कोई स्त्री सृष्टि में पैदा ही नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल, इतना सुंदर मुख, इतनी लयबद्ध काया, इतनी आभा मंडित आंखें तो परी कथाओं में ही देखने को मिल सकती। आप यहाँ धरती पर कहाँ विचर रही हैं? आपको तो होना चाहिए वहाँ। कहाँ? आकाश पर, पुष्प रथ पर सवार, हल्की हवा के हिंडोले में झूलते हुए समस्त सृष्टि को अपनी सुंदरता से मनमोहित करते हुए। और हाँ हाँ, और हे परमेश्वर, हे सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता गणपति महाराज, आपको आपके इस भक्त रामा का शत शत नमन। आप तो जगत के स्वामी हैं, प्रथमेश हैं। संपूर्ण देवी देवता कोई कार्य आरंभ करने से पहले आपको भोग लगाते हैं, आपकी शरण में आते हैं प्रभु। आप सृष्टि के समस्त दुखों का निर्वहन करते हैं, अपने भक्तों के लिए विघ्न हरता है। आज ये रामा आपके सम्मुख खड़ा आपसे सहायता की गुहार कर रहा है। मेरे विघ्नों का निर्वहन करें गजानन, मार्ग दिखाएं प्रभु, मार्ग दिखाएं। मूषक महाराज, ये लड्डू नहीं है, अंगूठी है, वापस दे दीजिए। अरे
अरे गुंडप्पे पकड़ना, अंगूठी खो गई तो अम्मा तुझे और मुझे दोनों को घर से निकाल देगी। अरे उधर के उधर के। अरे मुझे महाराज थक गए, अब देख मैं कैसे पकड़ता हूं। अरे सुनो तो सुनो। जो सुना वो कम था क्या? और क्या सुनना शेष रह गया है? गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? जैसा तुम समझ रही। क्या समझ रहे हैं हम? यही कि हमने तुम्हारी बुराई की। नहीं की? बिल्कुल नहीं, कोई बुराई नहीं की हमने। कर भी कैसे सकते हैं, कोई बुराई हो तो करे ना। कौन दुष्ट पापी अधर्मी कपटी दुराचारी अत्याचारी राक्षस भक्षक दानव दौर्तक्य का गिरा हुआ इंसान तुम्हारी बुराई कर सकता है? ज्ञानी तो है, सब जानते अपने बारे में। सही कहा सत्य वचन। तो वो क्या था? क्या क्या था? यही कि आपसे सुंदर स्त्री तो इस सृष्टि में पैदा ही नहीं हुई। इतना सुंदर मुख, संगीत बद्ध देह, इतनी सुंदर आँखें तो केवल परी कथाओं में ही मिलती है। हाँ तो है ना, हमारी मतलब इनकी मतलब हम सब की अतिथि की प्रशंसा हुई ना। तुम इसमें कहाँ थी? कहीं नहीं थी। जब तुम कहीं थी नहीं तो तुम्हारी बुराई कैसे हो गई? कैसे हो गई? तुम कह रही हो गई इसलिए हो गई, अन्यथा कोई बुराई नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई। पक्का? 100%। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई? ये कैसा परिहास है, एक तो आपने हमें यहाँ बुलाया और अब आप ही हमसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने हमने तुम्हें बुलाया? हाँ, आपके शिष्य धनी और मणि आए थे हमारे घर, कहने लगे गुरुजी के प्राण निकलने से पहले एक बार उनको दर्शन दे दीजिए, और ये हमें यहाँ ले आए। वो तो सजने सवरने में हमें थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो हम और शीघ्र आ जाते। तड़प तड़प रही थी कन्या, तो सोचा बैठ करा दे। हो गई बैठ, अब इन्हें इनके निवास स्थान पर पहुँचाओ। जी गुरुजी। प्रिय अब आप चलिए, हम आते हैं ना एक दो दिन में आपके पास। एक दो दिनों में गुरुजी? परंतु कैसे, ये विदेशी महिला तो काफी दिनों तक यही रहने वाली है ना, और जब तक यहाँ है आप तो कहीं नहीं हिलने वाले, मुझे पता है। वो हिला हुआ है ना, हिला हुआ है पूरा राज दरबार, हिला हुआ है जब से वो रत्न चंद्रमणि चोरी हुआ है। अब हम तो राजगुरु है ना, अब इस हिले हुए वातावरण में हम कैसे हिल सकते हैं, हमें तो यही रहना पड़ेगा ना, है ना? समझ रही ना? हाँ, तो अब आप प्रस्थान कीजिए, हम आते हैं। आते कैसे नहीं स्वामी, हम कैसे नहीं आते, हमें तो आना ही था, सो हम आ गए। इतने विकट कष्ट में हम अपने स्वामी को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्वामी, आप ही के प्रिय शिष्य ने हमें यहाँ बुलाया था, हमने बताया आप दंड हो गए हैं, पागल हो गए हैं। हमने उनसे कहा जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो सदैव ही चिंतन में रहते हैं, इसीलिए संसार की नजर में वो सदैव पागल नजर आते हैं। अवश्य ही आपको किसी की नजर लगी है स्वामी। ये क्या है? मिर्च और कोयले को मिलाकर आपकी नजर उतारने के लिए बनाई है स्वामी, सोचा यही आकर आपकी नजर उतार ले। अरे हमारी मूर्ख, हमारी प्रिय धर्म पत्नी, हमें कोई नजर नहीं लगी है, हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप जाइए यहाँ से, धनी मनी इन्हें लेके जाइए। जी गुरुजी, चलिए गुरु माता। परंतु स्वामी, हमने कहा ना आप जाइए। चूहे, वैसे तो हम एक कबला नारी के लिए सारी शत्रु सेना से अकेले लड़ सकते हैं, परंतु ये
जुआ है ना? ना 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 ना, इसको हाथ नहीं लगा सकती, वो हम शाकाहारी हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कहाँ गया? पकौड़ी कहाँ से बीच में आ गई? हमें यहाँ चूहे की पड़ी और इनका पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। पकौड़ी नहीं गुरुजी, विदेशी कन्या का इशारा समझिए, कह रही है पकड़िए पकड़िए। पकड़ने के लिए कह रही है? अवश्य पकड़ेंगे, हम तो आए इसीलिए। अरे गुरुजी, उस विदेशी महिला को नहीं पकड़ना, वो चूहे को पकड़ने के लिए कह रही है गुरुजी। और आप गौरी महिला देखे नहीं, उसे पकड़ने चल दिए। मुझे तो छोड़ दे, स्कूल में आ जाती। चूहा 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 चूहा। कहाँ गया ये चूहा? गुरुजी चूहा वो गया, चूहा बैठ गया डर के। कैसे पकड़े? उल्टा 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 उल्टा। मूर्ख निर्बुद्धि, क्या लगता है हमने नहीं किया तो मतलब किसने किया? सौदामिनी देवी को महल तक लेकर भटकता होंगे। हमने हमने गुरुजी हमने गुरु माता वो विदेशी गायिका और सौदामिनी देवी को एक साथ एक जगह एकत्र करके गुरुजी की ढोलकी बजाने का प्रबंध वाला किसने किया? हमने गुरुजी ये सब हमको करने के लिए। हम जानते थे और कोई हो भी कैसे सकता है। अरे पूरी बात तो कल ना बुद्धि से अपंग, हमने क्यों मानी उसकी बात? पक पक रहा हूँ, विवश कर दिया था गुरुजी, धमकी दी थी, यदि हमने उसकी बात नहीं मानी तो गुंडप्पा का अपहरण का आरोप महाराज को बता देगा और चंदमणी चुराने के आरोप में हमें फंसा देगा। गुरुजी फंसा तो वो दुष्ट है और ऐसा फंसा है कि इस फंदे से निकलना उसके लिए असंभव। महाराज ने दो दिन दिए थे, एक दिन तो निकल गया। कहां से ढूंढेगा चंद्रमणि? खेत खलियान नदी पहाड़ जंगल कहां कहां के खाक छानेगा वो? अब नहीं मिलने वाला चंद्रमणि, कहीं नहीं मिलेगा। उसे चुराने वाला तो चंद्रमणि को पाताल की गहराइयों में गर्क कर चुका होगा। कुछ भी कर लो पंडित, मेरा विध्वंस निश्चित है। अरे मेरी अंगूठी, मूषक महाराज मेरी अंगूठी। अरे मूषक महाराज, बड़े विचित्र मूषक महाराज थे, अंगूठी देनी थी तो पहले ही दे देते, यहां तक भगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हुआ, मिल तो गई अंगूठी, अब क्यों चेहरा लटका के बैठ गया? समझ में नहीं आ रहा बंधु, इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? मेरे मस्तिष्क ने तो काम करना ही बंद कर दिया है, दूर दूर तक कोई मार्ग कोई उपाय कुछ नहीं सोच रहा। बड़ी कठिन परिस्थिति है बंधु, जाने क्या होगा। Thank you.
हाँ बंधु, ये तो वही है। पर ये इतनी उदास क्यों है? कैसी हो? पहचाना मुझे? हम पहले भी मिले थे, वो दूसरे मंदिर में। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो लड़का, वो मेरे साथ नहीं खेल रहा है। मैं अकेले ही खेल नहीं खेल सकती। तो उससे कहो ना कि वो तुम्हारे साथ खेले। मैंने कहा, परंतु वो सुनता ही नहीं। तो कोई और जुगत लगाओ उसे अपने पास बुलाने की। जैसे? जैसे, अच्छा बताओ उसे क्या पसंद है? क्या पसंद है? लड्डू ले लो, लड्डू, शुद्ध देसी घी के लड्डू। लड्डू, इसे लड्डू बहुत पसंद है। ये पूरा दिन लड्डू खाते रहता है। ओ लड्डू वाले भैया, अरे कहाँ जा रही हो? उसे लड्डू देने। लड्डू दूंगी तभी तो वो खेलने आएगा। तुम्हें उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी कमजोरी अब तुम्हारे हाथों में है। तो वो स्वयं आएगा तुमसे लड्डू लेने। लड्डू खिलाएगी मुझे? मेरे साथ खेलेगा? हाँ ठीक है, एक बारी एक लड्डू। ये ले पहली बारी का लड्डू। तूने तो कमाल कर दिया। इसमें कमाल की क्या बात है बंधु, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो अवश्य होती है। आवश्यकता है सही समय सही प्रयोग करने की। रामा तू इधर, और मैंने तुझे ता ता नहीं दूंगा। क्या हुआ? मिल गया गुंडप्पे। क्या मिल गया? मेरी समस्या का हल मिल गया।